हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम इंडिया के सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद के बारे में चर्चा करेंगे। यह मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU के अंडर आती है। सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज होने के कारण इसकी कट ऑफ हमेशा टॉप ही रहती है, मगर 2020 में इसकी कट ऑफ लो रहेगी। तो क्या रह सकती है इसकी कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और ट्यूशन फीस क्या रहेगी, इसमें एडमिशन कैसे लें, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें एडमिशन कैसे लें। तो दोस्तों, इसमें तीन प्रकार का कोटा होता है। इस कॉलेज में टोटल 250 सीट्स हैं। इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा की 37 सीट्स हैं, जिसमें ऑल इंडिया का किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। 85% DU इंटरनल कोटा की 207 सीट हैं। इसमें दिल्ली डोमिसाइल के स्टूडेंट ही एडमिशन लेते हैं, या फिर जिन्होंने 11th 12th दिल्ली से कर रखा है वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद में सेंट्रल पूल कोटा की 6 सीट हैं। इसमें डिपार्टमेंट द्वारा सेंट्रल पूल कोटा की जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एडमिशन किया जाता है। इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की सीट काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है। नीट 2020 का रिजल्ट आ जाने के बाद 10 जून के नियर बाई MCC द्वारा MBBS BDS एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तब आपको MCC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद चॉइस फिल करके नीट स्कोर पर मेरिट बेस पर एडमिशन दिया जाता है। इसमें अब इसकी एक बार सीट मैट्रिक्स देखें तो 15% ऑल इंडिया कोटा की टोटल 37 सीट्स हैं, जनरल की 17, जनरल PH की 1, OBC की 9, OBC PH की 1, SC की 6, ST की 3, इस प्रकार से टोटल 37 सीट्स हैं। स्टेट कोटा की सीट मैट्रिक्स देखें हम तो जनरल की 104, OBC की 56, SC की 31, ST की 16, टोटल 207 सीट हैं इसमें। अब हम इसमें एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो इसमें जनरल कैटेगरी की 2019 में 686 कट ऑफ रही थी, 2018 में 662, OBC की 2019 में 678 कट ऑफ रही थी, 2018 में 644 रही थी। SC कैटेगरी की बात करें तो 2019 में 661 कट ऑफ रही थी, 2018 में 580 कट ऑफ रही थी। ST कैटेगरी की बात करें तो 2019 में 624 कट ऑफ रही थी, 2018 में 596 कट ऑफ रही थी इसमें। अब 85% स्टेट कोटा की मोपअप राउंड की कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी की 2019 की 637 कट ऑफ रही थी, 2018 में 623 कट ऑफ रही थी। OBC कैटेगरी की 2019 में 583 और 2018 में 560 कट ऑफ रही थी। SC कैटेगरी की 506 2019 में रही थी, 479 2018 में कट ऑफ रही थी। ST कैटेगरी की बात करें तो 2019 में 379 कट ऑफ रही थी, 2018 में 337 कट ऑफ रही थी इसकी। अब इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो 2,445 रुपये इसकी सालाना फीस है, जो कि बहुत ही कम है। 500 रुपये इसकी हॉस्टल फीस है। इसकी वेबसाइट mamc.ac.in है। कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इसकी वेबसाइट पर ले सकते हैं। अब हम 2020 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो नीट 2020 की कट ऑफ कम रहेगी। ये कम क्यों रहेगी? क्योंकि जब एम्स की MBBS के एग्जाम अलग होती थी तब इसमें नीट की टॉप रैंक वाले स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते थे, मगर अभी एम्स में एडमिशन भी नीट स्कोर पर होने से टॉप रैंक के स्टूडेंट पहले टॉप एम्स में एडमिशन लेंगे। जैसे एम्स दिल्ली को हर स्टूडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, उसके बाद जोधपुर, भुवनेश्वर, इस प्रकार से टॉप एम्स में एडमिशन लेंगे। जो स्टूडेंट बिहार से हैं वो एम्स पटना इस कॉलेज से पहले चूज करेंगे, जो राजस्थान से हैं जोधपुर एम्स पहले चूज करेंगे। तो इस प्रकार से टॉप के स्टूडेंट टॉप एम्स में एडमिशन ले लेंगे। इस प्रकार से सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी इस बार इसकी कट ऑफ कम रहेगी। तो क्या रह सकती है इसकी कट ऑफ? जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की 640, DU की 620, OBC की 630, 560 DU कोटा की, SC की ऑल इंडिया कोटा की 600, DU की 480, ST की ऑल इंडिया कोटा की 580, DU की 360 कट ऑफ रहने की संभावना है। दोस्तों, ये कट ऑफ मैंने प्रीवियस ईयर को देखते हुए प्रेडिक्ट की है। ये डिपेंड करे कि क्वेश्चन
पेपर के लेवल पर, फिर भी यह तो निश्चित है कि इस बार एम ए एम सी की कट ऑफ कम रहेगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि किस प्रकार हमने एम ए एम एम सी में एडमिशन लेना है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सीट मैट्रिक्स है, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है। अगर आपका सपना भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने का है तो आप अच्छे मार्क्स लाके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।